नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्टेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुरुक्षेत्र मार्च एडिशन की एनालिसिस या समरी। दोस्तों ये जो कुरुक्षेत्र का मार्च वाला एडिशन है, इसका जो की फोकस एरिया है दैट इज द यूनियन बजट, जो 18-19 का यूनियन बजट है उसके बारे में है और उससे ही रिलेटेड आर्टिकल्स है। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये वाला जो लेक्चर है वो तो रिडंडेंट हो जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यूनियन बजट के बारे में तो योजना में भी पढ़ चुके हैं या और भी बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ चुके हैं। बट फॉर ऑल दोज आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग दैट माइंड दिस इज द कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे जो यूनियन बजट के ऊपर आर्टिकल्स आए हैं वो रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आए हैं, कि मतलब जो रूरल एरिया है उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस बजट में क्या किया गया है, या फिर जो रूरल एरिया के यूथ हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए इस बजट में क्या प्रोविजंस हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर है सेक्टर है उसके लिए इस बजट में क्या प्रोविजन है, और किस तरीके से जो सरकार का विजन है फार्मर की इनकम को डबल करने का उसको किस तरीके से अचीव करने की कोशिश की गई है इस बजट की मदद से। तो इस तरीके के आर्टिकल है और इसीलिए इसको पढ़ना काफी जरूरी है और आपका इस लेक्चर को देखने में कोई लॉस भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो ये आर्टिकल, ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें से वैसे तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन मेनली मैंने 5 आर्टिकल चूज किए हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम, ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस एनालिसिस इज नॉट माई पर्सनल वर्क। आई हैव डाउनलोडेड दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंटरनेट टू एक्सप्लेन यू जस्ट एक्सप्लेन यू वॉट इज द मार्च कुरुक्षेत्र मैगजीन इज, ठीक है। तो इसलिए आई एम नॉट क्लेमिंग दिस इज माई वर्क नाउ बिफोर दिस थिंग। और हाँ, इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि दैट वी आर गोइंग टू सी 5 आर्टिकल्स, आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज 5 आर्टिकल इन दिस वन लेक्चर, ओके फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी के एस्पायरेंट्स, स्पेशली जो अभी इस साल का मेंस लिखने वाले हैं, मेंस 2018। उसके अलावा जो हमारे 2019 में भी अपेयर होंगे वो भी इन वीडियोज को देख सकते हैं टू ब्रॉडर देयर परस्पेक्टिव एंड टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और देखिए आप इन लेक्चर्स को बड़े बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से देखिए, एंड प्लीज बी सिंसियर इन वॉचिंग दीज वीडियोज, बिकॉज क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और इसमें से जो आप डेटा यूज कर सकते हो, फैक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई विश आप जो भी ये वीडियोज देख रहे हैं वो आप प्लीज इनको सिंसियरली वॉच कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो मार्च का एडिशन है कुरुक्षेत्र का, इसमें सारे बजट रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है। वैसे तो बजट के ऊपर हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं, योजना में भी हमने काफी बात की है, लेकिन इसमें जो बजट से रिलेटेड हम बातें करेंगे वो बात हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब जो भी स्कीम्स आई हैं, जो प्रोविजन किए हैं सरकार ने, वो हम रूरल लाइफ या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड करेंगे, या फिर उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है या जो विलेज लाइफ है या जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बजट में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस सी ऑन व्हाट आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर। तो दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन 5 आर्टिकल्स। तो हमारा जो आज का सबसे पहला आर्टिकल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी दी स्टेप्स फॉर डबलिंग फार्मर इनकम, मतलब जो फार्मर की इनकम है उसको डबल करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस बजट में। सेकेंड आर्टिकल इज गोइंग टू बी आयुष्मान भारत, मतलब इट इज रिलेटेड टू दी हेल्थ, राइट। तो हेल्थ के लिए सरकार एक योजना लेके आई है आयुष्मान भारत, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड आर्टिकल इज गोइंग टू बी ऑन दी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर दी रूरल यूथ, मतलब हम लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट देखेंगे रूरल यूथ के कॉन्टेक्स्ट में। अगला जो आर्टिकल है दैट इज गोइंग टू बी दी प्रॉमिसिंग बजट फॉर वुमेन, जो औरतें हैं उनके लिए जो इस बजट में क्या प्रोविजन की गई है सरकार के द्वारा। और जो लास्ट आर्टिकल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी दी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, की जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या प्रोविजन किए। सो दैट इज गोइंग टू बी दी लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला आर्टिकल। तो दोस्तों जो आज का सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज स्टेप्स फॉर डबलिंग फार्मर इनकम। तो सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन उठता है, ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है कि भाई एग्रीकल्चर जो है डिस्ट्रेस्ड है और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की जरूरत है सो दैट फार्मर की इनकम डबल की जाए। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन में यही दिया गया है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जस्ट विल स्किम थ्रू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू कैन रिप्लीकेट इन योर आंसर एज वेल। तो ऐसा बोला जाता है जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज है उसमें
क्या कहते हैं 50% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है या सर्विस सेक्टर होता है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के जो आउटपुट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इफ यू वॉन्ट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर देन यू हैव टू प्रमोट दी एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन से स्टेप अनाउंस किए गए हैं बजट में सो दैट फार्मर की इनकम का जो डबल करने का विजन है सरकार का बाय 2022 दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। तो सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन सेक्टर के लिए क्या किया गया है। तो सरकार ने इसमें इरिगेशन सेक्टर के लिए जो सरकार ने एक योजना लेके आए थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। इसके काफी वर्टिकल हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ज करना सो दैट क्या कहते हैं इरिगेशन का एकदम स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो सके, कल्टिवेबल एरिया पे जो है उसको एक्सपेंड करना अंडर दी एश्योर्ड इरिगेशन, उसके अलावा ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज करना, प्रिसीजन इरिगेशन को अडॉप्ट करना, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ठीक है। तो इस योजना पे सरकार ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है। इसमें सरकार ने ये बोला है कि वो 99 नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेगी मिशन मोड में, उसके अलावा 48 जो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी प्रोग्रेस में है वो उन पे सरकार काम करेगी और ज्यादा इंटेंसिफाइड करेगी अपना फोकस, ठीक है। तो ये इरिगेशन सेक्टर की बात हो गई। उसके अलावा सरकार ने क्या किया है कि जो 1.86 लाख हेक्टेयर का जो एडिशनल एरिया जो है उसको इरिगेशन में लाया जाएगा, मतलब इतना एडिशनल एरिया और आएगा अब इन दिस ईयर, इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा एरिया आएगा वो किस वर्टिकल के अंडर में आएगा, तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंडर में एक वर्टिकल है वाटरशेड डेवलपमेंट, ये इसका ही एक कॉम्पोनेंट है। जैसे इसके और कंपोनेंट क्या है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, फिर उसके अलावा एक और प्रोग्राम है कि क्या कहते हैं ये वाटरशेड डेवलपमेंट। तो इस वाटरशेड डेवलपमेंट में ही सरकार ने ये बोला है कि 1.86 लाख हेक्टेयर लेके आएंगे और उसके लिए कुछ अमाउंट एलोकेट किया जो कि याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके अलावा सरकार ने माइक्रो इरिगेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए इसके लिए भी काफी फंड एलोकेट किया और सरकार ने बोला है इस फंड की मदद से वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया जाएगा सो दैट पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो विजन है उसको फुलफिल किया जा सके। ओके फाइन, तो ये हो गया इरिगेशन। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये बोला जाता है कि जो इसकी रीच है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वो बहुत ज्यादा कम है या ये सिर्फ बहुत कम क्या कहते हैं क्रॉप्स को कवर करता है या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इतनी कम है कि उससे फार्मर को फायदा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सरकार ने सबसे पहली बात तो ये बोली है कि जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये बोला है जो एमएसपी आज के टाइम पे दी जाती है 23 क्रॉप्स के लिए उस एमएसपी को बढ़ाया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा अब 1 से 1.5, मतलब क्या है अगर आपके 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 150 रुपए मिलेंगे। ये जो 150 रुपए है ये जो इनपुट कॉस्ट है वो कैसे, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि 100 रुपए लग रहा है? तो इसमें एक तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पे खर्चा हुआ है, उसके अलावा जो फैमिली लेबर है, जो फैमिली काम कर रही है, उन दोनों कॉस्टों को मिला के ये इसकी एमएसपी को, मतलब आपकी जो पूरी कॉस्ट कितनी खर्च हुई है उसको निकाला जाएगा और उसके बाद एमएसपी डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। उसके अलावा कुछ सरकार ने जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टमाटर हो गया, पोटैटो हो गया, अनियंस हो गए, तो ये जो तीन प्रोडक्ट हैं ये राउंड द ईयर कंज्यूम किए जाते हैं हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी के हर वर्ग के द्वारा, ठीक है। अब लेकिन 70 साल का अगर आप डेटा देखें तो इन तीन कमोडिटीज में चाहे फार्मर हो या कंज्यूमर हो दोनों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो इस लॉस को मिटिगेट करने के लिए सरकार एक योजना लेके आई है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन में क्या किया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा, मतलब एक तरीके से इसमें फंड बनाया जाएगा सो दैट फार्मर को भी अच्छी प्राइस मिल सके और कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट मिल सके। इसके लिए 500 करोड़ का सरकार ने फंड बनाया है और सो दैट इनकी प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। उसके अलावा सरकार ने जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब क्या होता है छोटे छोटे फार्मर्स मिलके ना अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बना लेते हैं, तो सो दैट जो उनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मिला के एक इकोनॉमिकल स्केल पे वो उस प्रोडक्ट को बेचा जा सके, मार्केटिंग की जा सके। तो सरकार ने ये बोला है जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम होती है इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो इससे भी फायदा मिलेगा, इससे स्पेशली फायदा मिलेगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, है ना। और इससे एक और प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकेंगे क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में 85%
परसेंट फार्म होल्डिंग्स जो है 15 हेक्टेयर से कम है। तो आप देख रहे हो कितने सारे फार्मर्स जो है वो मार्जिनल है या स्मॉल है। तो अब इस वाले रूल के आने के बाद अब क्या होगा, इन फार्मर्स को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, सरकार ने और क्या किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, नेशनल बैम्बू मिशन जो है सरकार ने इसको और ज्यादा इंटेंसिफाइड कर दिया है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक बैम्बू मिशन के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंड बनाया है। कितने अमाउंट का बनाया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक फंड बनाया है, ठीक है। अब इस फंड बनाने से क्या होगा, सरकार प्रमोट कर रही है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो बैम्बू रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनको एस्टेब्लिश किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। तो इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको कम किया जा सकेगा और एग्रीकल्चर को और ज्यादा रेमुनरेटिव बनाया जा सकेगा। उसके अलावा सरकार ने और क्या किया, सरकार ने एग्री और वैसे आपको वैसे पता होगा जो बैम्बू है सरकार ने इसको डीक्लासिफाई कर दिया है। मतलब इससे पहले बैम्बू को ट्री बोला जाता था, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में लगे या नॉन फॉरेस्ट एरिया में लगे। इसके लिए अगर आपको बैम्बू को काटना है तो आपको सरकार से ना लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसकी वजह से कोई इसको काट नहीं पाता था। लेकिन सरकार ने अब ये बोला है कि बैम्बू जो है वो ग्रास रहेगा, ट्री नहीं रहेगा, इन दी नॉन फॉरेस्ट एरिया, नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को ग्रास समझा जाएगा। तो अब इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, आसानी से काटा जा सकता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या है, मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को मिटिगेट करने के लिए सरकार हर बार एक टारगेट रखती है कि जो इतना पैसा जो है फार्मर्स को लोन के तौर पर बैंक लोग डिस्पर्स करेंगे। तो पिछले साल ये अमाउंट था एग्रीकल्चर क्रेडिट का 10 लाख करोड़, कितना 10 लाख करोड़ था। अब इस बार इसको बढ़ा के कर दिया है 11 लाख करोड़, विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, ठीक है। उसके अलावा सरकार ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी कुछ स्टेप लिए हैं। सरकार ने 2000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है किसके लिए, एग्री मार्केट डेवलपमेंट फंड के तौर पे। मतलब ये फंड बनाया जाएगा सो दैट जो रिटेल मार्केट है उनको और ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा, उनको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, सो दैट फार्मर अपने सामान को अच्छे से बेच सकेंगे। ये जो मार्केट्स होती है रिटेल मार्केट, इनको ग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो रूरल मंडीज होती है ना, गांव की दुकानें होती है, मंडीज होती है, उनको ग्राम के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट के तौर पे, ठीक है। इसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि जो 22,000 रूरल हार्ट है और जो 585 एएमसी मार्केट्स है वहां पे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सरकार ने क्या किया है, सरकार ने भी ये बोला है कि सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छे स्टेप लिए। सरकार ने एक फंड बनाया है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, सॉरी स्पेशलाइज्ड एग्रो प्रोसेसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया है। ये जो इंस्टीट्यूशन रहेगा एक तरीके से ये बैंक ही समझ लीजिए आप, जो क्या करेगा, फाइनेंस करेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। आपको पता है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या कैपिटल इंटेंसिव होती है, उनके लिए काफी पैसा चाहिए होता है, तो उनको पैसे की जरूरत होती है। इस पैसे कहां से मिलेगा, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ही बना दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने। उसके अलावा सरकार ने और क्या किया है, जो एलाइड एक्टिविटीज में फिशरीज और एक्वा कल्चर आता है ना, सरकार ने क्या किया है, जो सरकार रिफॉर्म ले रही थी पिछले 2 बजट से, इस बार भी सर ने इस बजट को कंटिन्यू किया है और सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड बनाया है किसके लिए, फिशरीज एंड एक्वा कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा ना, उसके लिए फंड का निर्माण किया है। अब इस फंड से कोई भी अगर एक्वा कल्चर से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा सरकार ने एक और फंड बनाया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, जैसे पॉटरी होती है, कैटल्स होती है, तो उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प द फार्मर एज वेल एज द एग्रीकल्चर। अच्छा, उसके अलावा ये जो फंड बनाए गए इनसे क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या कोऑपरेटिव्स हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो लोन ले सकते हैं चीप रेट पे और इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जो फिश के लिए सेंटर्स बनाने हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, आइस प्लांट्स बनाना है, या फिर क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, या फिर टर्शरी केयर सेंटर्स बनाने हैं तो वो बनाए, सॉरी ये कहाँ पे आ गया, हाँ, तो ये आइस प्लांट बनाने हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बनानी है, तो ये सारी बनाई जा सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एंड टू फुलफिल द विजन ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने जाना कि भाई कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। विद दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर के ऊपर या फार्मर्स के डिस्ट्रेस के ऊपर, एग्रेरियन डिस्ट्रेस के ऊपर, तो अब आप उसके ऊपर अच्छा आंसर लिख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज आयुष्मान भारत मेकिंग रूरल हेल्थ यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए आपको पता होगा इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है वो उसकी भाई हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसकी हालत को संवारने के लिए और जो यूनिवर्सल जो हमारी अभी ये आई थी ना नेशनल हेल्थ
हेल्थ पॉलिसी 2017, जिसका विजन था कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम कोशिश करेंगे, तो उसी विजन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आए हैं। उस स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत प्रोग्राम। इस आयुष्मान भारत प्रोग्राम के दो वर्टिकल्स हैं या दो कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स, और दूसरा जो वर्टिकल है वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ये दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से फायदा होगा। तो देखिए, ऐसा बोला जाता है ये जो इंटरवेंशन है वो क्या करेगा, हेल्थ को होलिस्टिकली एड्रेस करेगा, और वो तीनों सेक्टर्स में, चाहे फिर वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। और इससे इससे क्या है, इस स्कीम से हम एक तरफ तो प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं और दूसरा हेल्थ प्रमोशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इससे क्या होगा, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का विजन है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये उसको अचीव करने में मदद कर रहा है। इसमें 1.5 लाख सेंटर 1.5 लाख सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट जो हेल्थ सर्विसेज है वो लोगों के घर के पास पहुंच जाएंगी। उसके अलावा सरकार ने यह भी बोला है कि जो ये सेंटर्स होंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है ना, जैसे कैंसर हो गया, या फिर आपको क्या कहते हैं कैंसर हो गया, या फिर आपको हार्ट अटैक आ गया, तो इस टाइप की डिसीजेज के लिए, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई, या फिर मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे टेलीमेडिसिन की व्यवस्था होगी, मतलब ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे ये तो गांव में होंगे, तो गांव में कोई स्पेशलिस्ट तो बैठता नहीं है, तो यहाँ पे टेलीमेडिसिन होगी। यहाँ पे मतलब बाय लैपटॉप और कंप्यूटर इनकी इन्फॉर्मेशन से और ये स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे प्लस डायग्नोसिस भी फ्री की जाएगी और असेंशियल ड्रग्स भी फ्री दिए जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। इसके लिए सरकार ने 1200 करोड़ का एलोकेशन किया है। उसके अलावा इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन को भी अट्रैक्ट किया जाएगा बाय सीएसआर एस वेल एज फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस का। अच्छा, जो दूसरा वर्टिकल है हमारे आयुष्मान भारत प्रोग्राम का, वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें क्या है, इसमें 10 करोड़ फैमिली यानी 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का, 5 लाख रुपए का एक साल के लिए। तो 5 लाख रुपए एक साल का इंश्योरेंस दिया जाएगा टू दी पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को, ठीक है। उसके अलावा इसमें याद रखना, और ये जो इंश्योरेंस होगा वो किसके लिए होगा, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर के लिए होगा, ठीक है। ये बोला जाता है कि ये जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, और इसके लिए एडिक्वेट फंड बनाए रखना चाहिए सो दैट स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो सके। अच्छा, अब इसके लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने बोला है कि एक तो वो डिटेल्ड प्लानिंग करेंगे और सस्टेन एंगेजमेंट रखेंगे सारे स्टेक होल्डर से, चाहे फिर वो कम्युनिटी हो, हेल्थ प्रोवाइडर्स हो, इंश्योरर्स हो, स्टेट हो, सेंट्रल बॉडीज हो, सबके साथ वो एंगेजमेंट करेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग में वो एकदम टाइम बाउंड रोड मैप बनाएंगे कि किस टाइम तक उनको क्या, मतलब एक तरीके से टाइमलाइन होगी कब तक क्या अचीव करना है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसकी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए सारे स्टेट को स्टार्टिंग से, अर्ली स्टेज से ही उनको बोला जाएगा कि भैया आप भी इसको ज्वाइन करें। उसके अलावा सरकार कोशिश करेगी कि सरकार के पास जो भी एक्सपर्टाइज है उसको शेयर करे वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, सो दैट इसका अच्छा सा इंप्लीमेंटेशन हो सके। तो पहली बात हो गई सस्टेन एंगेजमेंट। दूसरा है इसमें क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी एंगेज किया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सारे, मतलब अगर इंडिया में जैसे 29 स्टेट्स हैं तो इसमें अभी ऑलरेडी 24 स्टेटों में अपनी खुद की इंश्योरेंस स्कीम चल रही है और उनमें क्या कहते हैं अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर सरकार उनसे बोलेगी आप ये स्कीम अलॉट करो, क्योंकि ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ पैसा, अगर वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा उनको मिल सके तो उसके लिए उन्हें भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर उनको पैसा लगाना पड़ेगा तो यार फिर वो कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी स्कीम चला रहे हैं। तो इसीलिए इसमें ये देखा जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो रिलक्टेंस दिखा रहे हैं टू ट्रांजिट टू दिस न्यू स्कीम, ठीक है। और उसके अलावा उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ये भी एक और इशू है। उसके अलावा जो स्टेट लेवल के जो ये अथॉरिटीज हैं उनके पास ट्रेंड मिड लेवल प्रोवाइडर्स नहीं है, मतलब उनके पास ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है। उसके अलावा उनके पास क्या कहते हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश करने हैं उसमें भी उनके पास काफी बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं, बहुत सारे उनके इश्यूज हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इसमें काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, जो हमें 1.5 लाख
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने हैं तो उसमें काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि ये सारी दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार उनके साथ उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ एंगेज कर रही है और उनको क्या कहते हैं मोटिवेट कर रही है, उनको बना रही है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सरकार कोशिश कर रही है कि ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए, उसके लिए सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन कर रही है, उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है। तो स्टेट कैपेसिटी मतलब इतनी बड़ी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें देखा जाता है जो हमारा स्टेट कैपेसिटी है मतलब जो मशीनरी है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, स्पेशल जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जो रेगुलेट करेंगे हेल्थ प्रोवाइडर और हेल्थ इंश्योरेंस को, उनको भी टाइम लगेगा अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जो सप्लाई डेफिशिएंसी है वो एक इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, पर सरकार इसको भी मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है या सरकार को इसको मिटिगेट करने चाहिए टू मेक इट सक्सेसफुल, ठीक है। उसके अलावा ऐसा इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी लर्निंग हुई है हमें पुराने प्रोग्राम से स्कीम से सरकार उन लर्निंग्स को इसमें यूज करने की कोशिश कर रही है सो दैट बेटर रिजल्ट को अचीव किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा सरकार प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन कर रही है और क्या कहते हैं उनमें लिंकेज क्रिएट कर रही है सो दैट कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जा सके। उसके अलावा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है सरकार कोशिश कर रही है कि ये तो वो नए जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएगी वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं सरकार उनको लिंक कर रही है, उनको इंटीग्रेट कर रही है सो दैट क्या कहते हैं ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ सके। उसके अलावा सरकार कोशिश कर रही है हेल्थ केयर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2018 में बोला गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसमें जो लेबोरेटरी में आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हो, डायग्नोसिस करवाते हो, रिपोर्ट लेने जाते हो ना, एक्सरे की रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें क्या है जो उनकी कॉस्ट होती है उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सरकार ने इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए सरकार ने क्या किया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मेथड को एस्टेब्लिश किया है और सरकार फिर मॉनिटर करेगी कि वो लोग इससे एडहीर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है या सरकार कर रही है टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना क्या क्या सरकार कर रही है, एक तो डिटेल प्लानिंग एंड सस्टेन एंगेजमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इंगेज किया जा रहा है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है, उसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंसेस को इसमें क्या किया जा रहा है इंक्लूड किया जा रहा है, उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर और रेफरल लिंकेजेस को भी क्रिएट किया जा रहा है सो दैट होलिस्टिक हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड की जा सके, उसके अलावा हेल्थ केयर रेगुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो सो दैट जो बेरिंग कॉस्ट होती है लेबोरेटरीज की उसको मिटिगेट किया जा सके। तो इसी के साथ दोस्तों ये वाला आर्टिकल समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने देखा कि सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में क्या किया है और किस तरीके से जो हेल्थ केयर सेक्टर के जो इश्यूज है उनको रिजोल्व करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो सरकार स्कीम लेके आई है आयुष्मान भारत प्रोग्राम, उसको अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाना है तो वॉट ऑल अदर स्टेप्स गवर्नमेंट नीड टू टेक इन टू अकाउंट टू मेक इट सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, अब विद दिस वी यू नो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल यूथ। हम इसमें बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो गांव का लड़का है, जो गांव का यूथ है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो अगर हम देखें अभी करंट में कौन से इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं रूरल यूथ को स्किल करने के लिए, एक चलाया जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये क्या है, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें रूरल पुअर यूथ को क्या कहते हैं स्किल प्रोवाइड की जाती है और प्लेसमेंट एश्योर किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही है। कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें जब से ये शुरू हुई है और 1 फरवरी 2018 तक अगर इसका डेटा देखें तो अभी तक 11.8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जा चुका है, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव फिगर, राइट। अच्छा, अब दूसरी जो योजना चलाई जा रही है दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इसकी इसके इंप्लीमेंट होने से आज अभी तक 3.6 करोड़ हाउसहोल्ड की जीवन में और उनकी लाइवलीहुड में काफी डिफरेंस क्रिएट किया गया है। इसमें जो औरतें होती हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है, जो औरतें होती हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करवाया जाता है। उसके अलावा जो और कलेक्टिव्स हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो गए, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें सोशल कैपिटल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किस तरीके से, जेंडर रिलेशन को चेंज करके, सर्विसेज को प्रोवाइड करके, ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करवा के और
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करवा के। तो ये हो गया हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना अंडर दी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को आप आजीविका के नाम से भी जानते होंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं पे आजीविका लिखा होता है, कहीं पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लिखा होता है। अब उसके अलावा सरकार एक और योजना चला रही है फॉर दी स्किलिंग रूरल यूथ, दैट इज आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड। इसमें क्या किया गया था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनकी इनकम को एनहेंस करने की कोशिश की गई थी, उसके लिए लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो जो गांव की रोडें होती है ना, उन पे क्या कहते हैं, तीन पहिया वाहन चलाते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं। तो वो एक तरफ तो कनेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है, लॉजिस्टिक का काम करता है, दूसरी तरफ वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है और सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रमोशन भी हो रहा है। तो ये फायदे होते हैं। तो इससे में यही लिखा हुआ है कि सेफ अफोर्डेबल कम्युनिटी मॉनिटर्ड रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सो दैट जो रिमोट विलेजेस है उनको कनेक्ट किया जा सके और वो मार्केट, एजुकेशन, हेल्थ को एक्सेस कर सके। तो ये हो गया आपका कौन सा, आपको मैंने बताया आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, हिंदी में बोलो तो आ गए यानी आने ले जाने वाली, ठीक है, तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आगे चलते हैं, जो अगला एक और प्रोग्राम सरकार चला रही है, दैट इज स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो स्टार्टअप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है और विलेज प्रोग्राम है ये। तो ये इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है सो दैट स्टार्टअप को प्रमोट किया जा सके विलेज लेवल पे। इससे क्या होगा, एक तो इसमें क्या किया जाता है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, फिर जो बंदा है एंटरप्रेन्योर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है और एडवाइजरी सर्विसेज दी जाती है कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, इसमें चीजें बताई जाती है। तो ये हो गया आपका स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है, इसमें क्या है, इससे क्या होता है, सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा रूरल यूथ के लिए, उसके अलावा इनको इंगेज करते हैं इफेक्टिवली विद द मार्केट और ये वेल्थ को जनरेट करते हैं लोकली। सो दिस इज वेरी नाइस इनिशिएटिव, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट योजना जो गवर्नमेंट चला रही है फॉर स्किलिंग दी रूरल यूथ, वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या किया जाता है, जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं या जो वुमेन होती हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप करने के लिए सरकार ने ये योजना लेके आए थे। इसमें 10 लाख से लेके 100 लाख तक का लोन दिया जाता है किसी भी एक प्रोजेक्ट को, और इसमें कंडीशन ये है कि हर एक बैंक ब्रांच को एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट के लिए तो लोन देना ही होगा, और ये जो 2 प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट जो होगा बिलोंग करेगा किससे, एससी एसटी कैटेगरी से, और एक प्रोजेक्ट बिलोंग करेगा वुमेन से। सो दैट इसमें क्या होगा, एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा और हर किसी का डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो इससे एंटरप्रेन्योर को फायदा होगा और कंडीशन में आपको ऑलरेडी बताई चुका हूं। सो दिस इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी ये सरकार का फ्लैगशिप इनिशिएटिव था। इसमें क्या किया जाता है, इनोवेशन और स्टार्टअप को नर्चर किया जाता है। किस तरीके से, इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी सरकार उनको हैंड होल्डिंग करवाती है, उनको पैसे देती है, ये सारी चीजें की जाती है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो दीज आर दी योजनास विच आर रन बाय दी गवर्नमेंट टू स्किल और टू प्रोवाइड दी एम्प्लॉयमेंट टू दी रूरल यूथ। रूरल यूथ यहाँ पे पर्टिकुलरली, अदरवाइज जनरली तो ये सबके लिए है, ठीक है। हमने सारी स्कीम्स की बात कर ली, अब हम बात चलते हैं कि इस बजट में क्या सरकार ने अनाउंसमेंट किया फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो सरकार ने सबसे पहली बात तो बोली है, सरकार क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेगी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की। मतलब क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या होगा, जैसे बहुत सारे फार्मर्स है, उन्होंने भाई किस, हर फार्मर ने एक एक किलो टमाटर उगाया, अब एक एक किलो टमाटर का क्या वो केचप बनाएंगे, लेकिन सारे फार्मर मिलकर एक जगह पे आ जाएंगे तो बहुत सारा टमाटर हो जाएगा, अब उससे केचप बनाया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी स्पेशली फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये एक अच्छी बात है। और क्या किया भाई, तो इससे क्या होता है, जो ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में एक तो स्किल भी डेवलप होती है और पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से इकोनॉमी ऑफ स्किल भी अचीव कर ली जाती है। सरकार ने बोला है ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में प्रमोट किया जाएगा और स्पेशली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, ठीक है। और ये जो ये किया जाएगा, ये नेशनल लाइवलीहुड प्रोग्राम का पार्ट ही के तौर पे डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, जिससे फार्मर क्या है पैसा ले सकता है या पैसा खर्च कर सकता है उस क्रेडिट कार्ड से अपने एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट के लिए, तो सरकार ने इसकी फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए। उसके अलावा सरकार ने जो नेशनल बैम्बू मिशन है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, उसके लिए पैसे भी एलोकेट किए। उसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसकी डेडलाइन को प्रीपोन कर दिया। पहले उसकी डेडलाइन थी 2022, अब उसको
प्रीपोन करके कर दिया 2019, तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन में जो और ज्यादा फंड्स को डाइवर्ट कर दिया है सो देट और ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सके। उसके अलावा सरकार ने मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत यह प्रपोज किया कि वो 12 नए पार्क बनाएगी जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके अलावा जो सरकार ने एजुकेशन फील्ड में एकलव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का एक प्रपोजल रखा है कि वो एक एकलव स्कूल बनाएंगे हर एक ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, एकलव स्कूल। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रपोजल है इसको कंप्लीट किया जाएगा बाय 2022, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा सरकार ने बोला है कि सोशल मैट्रिक्स को ठीक करने के लिए सरकार ने बोला है 115 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा अंडर दी क्या कहते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत 115 डिस्ट्रिक्ट को, और इनके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा यूजिंग दी कॉम्पिटिशन अमंग देम, तो ये भी एक अच्छा अनाउंसमेंट है। उसके अलावा सरकार जो यूथ के अंदर स्किल्स है उसको एस्पायरेशनल बनाने के लिए मॉडल स्किल सेंटर खोलेगी सो दैट हर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र रहेंगे जिससे स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सकेगी, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं मॉडल स्किल सेंटर खोले जाएंगे, और ये जो मॉडल स्किल सेंटर होंगे वो किस स्कीम के तहत होंगे, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के तहत होंगे सो दैट उनको ट्रेनिंग मिल सके। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या मेजर्स लिए हैं। पहली बात तो एग्री कमोडिटीज का क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। नेशनल बैम्बू मिशन को रिस्ट्रक्चर कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो डेडलाइन है उसको प्रीपोन कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन जो है सरकार ने इसमें ज्यादा फंड दिए हैं सो देट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। मेगा फूड पार्क स्कीम जो है सरकार की उसमें सरकार ने प्रपोज किया है कि वो 12 नए मेगा फूड पार्क बनाएगी। सरकार एजुकेशन की फील्ड में नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे हर एक ब्लॉक में, जिस भी ब्लॉक में 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। उसके अलावा सरकार ने जो 115 हमारे देश की सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट किया है और उसके लिए फंड एलोकेट किया है, उनके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं सो दैट उनके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को ठीक किया जा सके। उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्किल सेंटर खोला जाएगा अंडर दी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सो दैट उनको स्किल प्रोवाइड की जा सके। विद दिस हमारा ये वाला जो आर्टिकल था कि भाई स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर दी रूरल यूथ वो समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रॉमिसिंग बजट फॉर वुमेन। अच्छा भाई प्रॉमिसिंग बजट, तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इसमें हम बात करेंगे कि इस बजट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो हम डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर दी की टेक अवेज फॉर दी वुमेन इन दी बजट। तो सबसे पहली बात, इस बजट में ऐसा बोला जाता है औरतों और बच्चों के इश्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कैसे पता चलता है ये बात, इन फैक्टों से पता चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वुमेन और चाइल्ड इश्यूज के लिए, उसका जो बजट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। बस इतना ही याद रखना काफी रहेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स जो होती है उनका भी बजट इंक्रीज कर दिया है 4% से, विच इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। उसके अलावा जेंडर गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने रीजनेबल फंड अलोकेट किए हैं फॉर ऑल दी ऑनगोइंग स्कीम्स। देखिए पहले वाला पॉइंट था क्या, वुमेन स्पेसिफिक स्कीम का जो फंड है 4% से इंक्रीज किया है, और जो बाकी की स्कीम्स है उनका भी फंड इंक्रीज किया है सो दैट जो वुमेन का जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। अच्छा, क्या प्रोग्राम और स्कीम्स रन की जाती हैं सरकार के द्वारा औरतों के लिए? तो सबसे पहली स्कीम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको पहले मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम से भी जाना जाता था। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैश इंसेंटिव दिए जाते हैं, कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जाता है सो दैट हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, स्पेशली किन की हेल्थ, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स की। उसके अलावा सरकार नेशनल कृषि स्कीम चलाती है जिसमें क्या है डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक औरत है जिसका बच्चा है जो छह महीने से 6 साल की एज ग्रुप में है, ठीक है। अब अगर इतना छोटा बच्चा होगा तो उस माँ को क्या करना पड़ता था, अपनी जॉब छोड़नी पड़ती थी। अब जब उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती थी तो उसका डिसएम्पावरमेंट होता था। तो इसके लिए सरकार ने नेशनल कृषि स्कीम लेके आई है कि जिस भी इंडस्ट्री में 10 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही होंगी तो उन वहां पे एक कृषि होगा। कृषि क्या होता है, बच्चा घर होता है, तो वहां पे वो बच्चा होगा तो उसको क्या होता है, उसकी केयर प्रोवाइड कर दी जाती है और जो वर्किंग वुमेन होती है वो अपना काम करती रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नेशनल कृषि स्कीम। उसके अलावा सरकार नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लेके आई। ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का दूसरा नाम जिससे आप इसको जानते हो, इसका नाम है पोषण अभियान।
तो सरकार ने इसके लिए फंड एलोकेट किया है सो दैट जितनी भी क्या कहते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज सरकार चला रही है या स्कीम चला रही है उन सारी स्कीम को इंटीग्रेट किया जाएगा और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं बेटर जो माल न्यूट्रिशन के इश्यूज है ना उसको टारगेट करने के लिए स्कीम आई है। सरकार ने इसके लिए 3,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है सो दैट जो स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन अनिमिया और लो बर्थ वेट की जो इश्यूज है उनको अचीव किया जा सके। इसी के अंतर्गत सरकार एक और मिशन भी चला रही है मिशन 25 बाय 2022। तो ये है कि जो हमारी जो चाइल्ड स्टंटिंग का इशू है उसको 25% तक लेके आना है बाई 2022 तक। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सरकार एक और स्कीम चलाती है फॉर एडोलसेंट गर्ल, जो भी लड़कियां 11 से 18 की एज ग्रुप में हैं उनको एम्पावर और उनका जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है इस स्कीम के तहत। उनको न्यूट्रिशन, लाइफ स्किल, ठीक है, उसके अलावा होम स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ एलोकेट किए हैं। उजाला स्कीम जो है ये इस स्कीम के तहत सरकार जो भी औरतों का या लड़कियों का ट्रैफिकिंग होती है उस ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए योजना आई थी कि जो औरतों की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जाए, औरतों को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए और उनको रीइंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए स्कीम थी। इसके लिए सरकार ने कुछ फंड एलोकेट किया है। उजाला स्कीम याद रखना, एक हमने बात की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर हम लोगों ने बात की नेशनल कृषि स्कीम, फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, उजाला स्कीम। अब अगली जो स्कीम है वो है महिला शक्ति केंद्र। जो महिला शक्ति केंद्र है ये एक तरीके से वन स्टॉप सेंटर्स हैं। यहाँ पे जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा या और किसी फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा उन सारी सर्विसेज को कन्वर्ज किया जाता है, तो कोई भी औरत आएगी वो यहाँ पे आके कोई भी सर्विस मांग सकती है। तो इससे क्या होगा, रूरल वुमेन एम्पावर होती है, यहाँ पे वो स्किल डेवलपमेंट की सर्विसेज ले सकती है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज के बारे में जान सकती है, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन। तो ये है महिला शक्ति केंद्र इनिशिएटिव। उसके अलावा जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी सरकार एस्टेब्लिश कर रही है सो दैट जिन औरतों को अपने घर से दूर रह के काम करना पड़ता है वो सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ये इस स्कीम के तहत, कि उन्हें अच्छे सेफ हॉस्टल मिलते हैं जहां पे रह के वो अपना काम कर सकती है घर से दूर। ठीक है ना, उसके अलावा सरकार ने एक आपको पता होगा 2013 में निर्भया फंड क्रिएट किया था सो दैट जो औरतें हैं उनके सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लिए जा सके, स्कीम्स बनाई जा सके। तो सरकार ने इस फंड के लिए भी सरकार ने कुछ पैसा एलोकेट किया है और वो पैसा किस चीज के लिए होगा, अब इस पैसे से क्या होगा, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे सो दैट जो रेप और सेक्सुअल वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं ना उनका रिहैबिलिटेशन हो सके इन वन स्टॉप सेंटर्स में। ठीक है, तो एलोकेशन जो होगा मतलब कितना 500 करोड़ का एलोकेशन किया है निर्भया फंड के तहत, तो निर्भया फंड से 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे किसके लिए, कि वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे सो दैट जो विक्टिम्स होते हैं उनको बचाया जा सके। उसके अलावा एक सरकार स्वधर स्कीम चलाती है, इसमें क्या होता है जो भी ऐसी औरतें जो नीड बेस्ड औरतें होती हैं, मतलब जो भी औरतें नीड होती हैं जिनको जरूरत होती है, कैसी औरतें, जैसे कोई डिवोर्सी है या किसी औरत को घर से बाहर निकाल दिया है या कोई ऐसी औरत जो कि क्या कहते हैं नेचुरल डिजास्टर की विक्टिम है या किसी टेररिस्ट या वॉर की विक्टिम है, तो ऐसी औरतें जिनको नीड की जरूरत है सरकार इस स्कीम के तहत उनको क्या क्या दिलवाती है, खाना, कपड़ा, मकान और केयर वगैरह प्रोवाइड करवाती है विडोज को, जो विधवा औरतें हैं, प्रिजनर्स को, ठीक है, सर्वाइवर्स को, विक्टिम्स को। तो ये हो गई स्वधर स्कीम। उसके अलावा सरकार एक स्कीम चला रही है प्रधानमंत्री उजाला स्कीम, बहुत ही उज्ज्वला, और ये है उजाला स्कीम। इसमें क्या है, फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक औरत के नाम पे, बीपीएल फैमिली की औरत के नाम पे, मतलब कोई भी बीपीएल घर से अगर मान लीजिए कोई औरत आती है तो उसके नाम पे एक सिलेंडर फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे 5 साल के लिए और इस साल ये 8,000 को पूरा करने के लिए सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। उसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस, ये सरकार प्रोग्राम चला रही है सो दैट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। इसके तहत 3 पेंशन स्कीम चलाई जाती हैं जिनका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। देखिए ये ओल्ड एज नाम है तो ओल्ड एज के लिए होगी, यहाँ पे ये है विडो तो विडो के लिए होगी, और नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम तो ये है डिसेबल्ड लोगों के लिए। ठीक है, इसमें जो भी ओल्ड एज
विडो या डिसेबल्ड इंसान अगर बीपीएल फैमिली से है, चाहे फिर वो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, वो इसका फायदा उठा सकता है। ठीक है, इस सरकार ने इसका भी फंड बढ़ा दिया है इस बार। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके बारे में तो आपको पता होगा, ये किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड के सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और एजुकेशन के लिए है, सो दैट जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको अरेस्ट किया जा सके। और इसमें क्या किया जाता है, मास कैंपेनिंग की जाती है, सो दैट जो सोसाइटल माइंडसेट है उसको चेंज किया जा सके, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है पहले ये 100 डिस्ट्रिक्ट के लिए चलाया गया था, अब इसको इंक्रीज कर दिया सारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस इनिशिएटिव। अब ये सरकार ने एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर चलाया है। ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे आप कोई भी औरत जो डिस्ट्रेस्ड औरत होगी वो किसी भी रेंज ऑफ सर्विसेज के बारे में जान सकती है, चाहे फिर उसे मेडिकल हेल्प चाहिए हो, पुलिस असिस्टेंस चाहिए हो, लीगल असिस्टेंस चाहिए हो, तो उसके लिए सरकार ने ये स्कीम चला रखी है। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स हैं जो सरकार आज के टाइम पे चलाती है फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल सोशल असिस्टेंस, फिर उसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, निर्भया फंड के तन वन स्टॉप सेंटर्स, स्वधर स्कीम, प्रधानमंत्री उजाला योजना और बाकी इससे पहले मैंने आपको जो बताई थी। नाउ विद दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड, लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट एंड दी फाइनल आर्टिकल विच इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि भैया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही क्यों है, क्यों करना है, क्योंकि अब लोग तो बोल रहे हैं अर्बनाइजेशन इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। 2011 का सेंसस बोलता है कि भैया अभी जो 2011 में 32% पॉपुलेशन शहरों में रहती है और 2050 तक आते आते या 35 तक आते आते ये पॉपुलेशन हो जाएगी 50%, तो यार इतनी अच्छी बात है तो फिर रूरल एरिया को क्यों डेवलप करना है। तो इसको अब आप ऐसे समझते हैं, 2011 का सेंसस ये कहता है अभी भी 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है, 6.4 लाख विलेजेस हैं इंडिया में, और जो एक हमारे ज्योग्राफिकल पार्ट का लार्जर चंक बनाता है। उसके अलावा भले ही अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है लेकिन फिर भी 2050 भी आ जाए तब भी कम से कम आधी जनसंख्या तो हमारी गांव एरिया में ही रहेगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर और जो रूरल एरियाज हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, तो इसको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। उसके अलावा रूरल जो इकोनॉमी है वो हमारी नेशनल इनकम का 46% पार्ट बनाती है, उसके अलावा 70% वर्कफोर्स कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है रूरल एरियाज को डेवलप करना। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर फूड सप्लाई तो प्रमोट करता ही करता है, उसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सबको भी सपोर्ट करता है। प्लस यहाँ पे आप गांधी जी का कोट भी ले सकते हो कि इफ यू वांट टू सी रियल इंडिया इट रेसाइड्स इन विलेजेस, तो विलेजेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है रूरल को डेवलप, रूरल एरियाज को डेवलप करने में, ठीक है ना, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप दी रूरल एरियाज। अच्छा, अब रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार क्या कर रही है या फिर कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, तो इसमें सरकार क्या कर रही है, 33.6 करोड़ हाउस होल्ड की लाइफ में अंतर आया है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। उसके अलावा नरेगा प्रोग्राम चला रही है जिसमें क्या होता है रूरल लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाता है, किस टाइप का अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है हर एक यूथ को फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, और ये डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है एमजी नरेगा, ठीक है, इसमें ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जाते हैं तो इससे भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, और इसमें एम्फसाइज किया जाता है इस प्रोग्राम में कि भाई जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो सके, टाइमली कंप्लीशन हो काम का, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी बेहतर रहे, ठीक है। उसके अलावा इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो एमजी नरेगा के फंक्शनरीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कम्युनिटी के जो पर्संस हैं वो अच्छे से काम करें और स्किल अपग्रेडेशन हो सके, ठीक है। उसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चला रही है, इसमें क्या कहते हैं हाउसेस बनाए जाते हैं सो देट जो हाउस शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके रूरल एरियाज में, ठीक है, और जो ये घर हैं सिर्फ यहाँ पे घर नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे उनकी जो और भी नीड्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कुकिंग एरिया, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें भी उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कि जो घरों की कॉस्ट ज्यादा महंगी ना हो तो इसमें सरकार कोशिश करती है लोकल मटेरियल को यूज करे और लोकल डिजाइन को यूज करे सो देट उनको सस्ते से सस्ते घर प्रोवाइड किए जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जा रहा है और उसमें एक और कॉम्पोनेंट है जो अभी एग्जिस्टिंग रूरल रोड है उनको अपग्रेड किया जा रहा है विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, इससे भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। भारतमाला परियोजना सरकार रन कर रही है, इसके तहत क्या किया जा रहा है जो बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, प्लस कोई ऐसे एरिया जहां पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, रिलीजियस है, टूरिस्ट इंटरेस्ट है, बॉर्डर एरिया है, कोस्टल एरिया है, ट्रेड रूट्स है, तो उनको रोड से जोड़ा जा रहा है, तो इसमें सारे जो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप देखने को मिलता है। उसके अलावा सरकार चला रही है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें फीडर सेपरेशन किया जाता है कि घरों के लिए अलग लाइट
और जो क्या कहते हैं आपके खेत है उनके लिए अलग लाइट, सो दैट जो वहाँ पे अभी क्या कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था या इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप चली जाती थी, तो ये सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना लेके आई सरकार, ठीक है। उसके अलावा सरकार सौभाग्य स्कीम चला रही है, इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं हर हाउस होल्ड को, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, ठीक है। और सरकार ने इसमें टारगेट भी रखा है कि कम से कम 4 करोड़ जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड हैं उनको इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा बाय दिसंबर 2018, विच इज वेरी एम्बिशियस, राइट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कंपोनेंट है उसमें क्या किया जा रहा है, रूरल लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, कैसे, क्लीनिनेस हाइजीन और ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करके। उसके अलावा सरकार भारत नेट प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत 2.5 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और उनको 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और किससे जोड़ा जाएगा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इसको एस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया भारत नेट प्रोग्राम। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो सरकार चला रही है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ग्राम ज्योति योजना, फिर है भारत नेट, भारतमाला परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अलावा सौभाग्य स्कीम, और क्या था हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके अलावा सरकार और क्या चला रही है, महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम और दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो दीज आर दी प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल और विच आर रन बाय दी गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन दी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यार दोस्तों, विद दिस हमारा ये आर्टिकल भी समाप्त होता है और ये लेक्चर भी समाप्त होता है। नाउ विद दिस हमारा जो ये मार्च का एडिशन है वो यहीं पे खत्म होता है। लेट्स मूव अहेड ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आपने इसको काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। दोस्तों, अगर ये आज का लेक्चर आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करता है और आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी लाइक बटन दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको कोई मुझे सजेशन देने हो या कोई डाउट पूछना हो तो या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता चल जाएगा आपके डाउट्स के बारे में, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं street01990@gmail.com पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इतने काम के अगर ये जो काम के वीडियोज़ हैं, अगर आपको लगता है ये काम के वीडियोज़ हैं और आप इनको मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आए वीडियोज़ के जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तुरंत, तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट वो भी इन वीडियोस से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, सो डोंट हेजिटेट टू शेयर दीज वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।